रसखान जी के चरित्र में वर्णन आता है कि रसखान जी कौन है। रसखान जी है महाराज, रसखान जी हमारे कुछ सुनकर के भगवान में लगे, और कथा में नहीं सुना उन्होंने, याद रखिएगा, कथा में कीर्तन में प्रवचन में सुनकर के भगवान की तरफ नहीं मुड़े। वो उनकी जो एक आसक्ति थी सुंदरता में, जिसको भी सुंदर देखते, जो सबसे ज्यादा सुंदर उनकी निगाह में आ जाता, बस उसके साथ अपने को जोड़ लेते, उसी के पीछे पीछे घूमना, उसी को देखते रहना। तो एक हमारे ब्रज की भाषा में एक बनिया की छोरी वाकी रूप आसक्ति में रसखान जी मोहित है गए। उसकी रूप आसक्ति में ऐसे मोहित कि वो बाहर निकले तो पीछे पीछे चले उसको देखते हुए, उसका रूप देखने में इतने मशगूल हो जावे। दो वैष्णव बात कर रहे थे आपस में और कह रहे थे, भैया देखो, यदि आसक्ति हो तो ये सैयद इब्राहिम जैसी होनी चाहिए। आसक्ति हो, रूप की आसक्ति यदि हो तो सैयद इब्राहिम जैसी होनी चाहिए। यदि ऐसी आसक्ति हो जाए तो हमारे श्रीजी बाबा तुरंत दर्शन देने को तैयार खड़े। इतना उनके कान में गया, बस सैयद इब्राहिम जी के कान में इतनी बात गई कि दो व्यक्ति इस बात को कह रहे हैं, और वो जो लड़की थी, वो जो जा रही थी, उसका रूप देखते हुए चल रहे थे पीछे पीछे, उनके कान में ये बात गई। इतना सुनते ही महाराज सीधे अवाउटन, सीधे उन वैष्णवों के पास चले आए। इधर आओ, तुम क्या बोल रहे थे अभी? एक तो वैष्णव भक्त बेचारे, ऊपर से सैयद इब्राहिम जी का शरीर भी अच्छा खासा, और पठान जैसे खड़े हुए सामने आके इनको लगा, भैया हमने कुछ गलती कह दी, भैया माफ करना, हमने कुछ नहीं कहा तुमसे। नहीं नहीं अभी तुम क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलो। बोले हम तो इतना कह रहे थे भैया कि मीत वही, मीत वही बिना बुलाए, मीत वही जो बिना बुलाए, मन में आए फिर ना जाए, हे मीत वही बिना बुलाए, मन में आए फिर ना जाए, गीत वही जो अनजाने में, गीत वही जो अनजाने बार बार मुँह से दोहराए, हे मीत वही बिना बुलाए, रीत यही है, रीत यही है जीने की, बस जीवन ही पूजा बन जाए, हे मीत वही जो बिना बुलाए, दिल में आए फिर ना जाए, मीत वही। अरे भैया हमने तो इतनी बात कही केवल कि रूप आसक्ति जैसी सैयद इब्राहिम जैसी है, यदि हमारे श्रीजी बाबा से हो जाए तो वे साक्षात सामने खड़े हो जाए। बोले कौन है ये? बोले ये, अरे भैया इनका स्वरूप सुनना चाहते हो? बोले हाँ, भागवत जी पढ़ लेना, उसमें मिल जाएगा।
बोले भागवत जी क्या होती है? बोले भागवत जी ग्रंथ है, उस समय फारसी में मिलती थी भागवत जी, और उस समय फारसी में सैयद इब्राहिम जी गए। बोले इसका मतलब है कि जिसका रूप देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित होकर पीछे पीछे घूम रहा हूं, उससे भी ज्यादा कोई सुंदर है? बोले हाँ, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत मलूक है, इनके तो तिरछे नेन महाराज घायल कर दे। अच्छा कैसा? फारसी में भागवत जी लेकर के आए, और सैयद इब्राहिम जी फारसी में भागवत लेकर बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब दसम स्कंद पढ़ना प्रारंभ किया, तो दसम स्कंद पढ़ करके श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बाल लीलाएं होने लगी, गोपियां आने लगी, इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण। ये पढ़कर के महाराज आसक्ति जो उस लड़की में थी पूर्ण रूप में वहां से श्री कृष्ण में, और वो आसक्ति ऐसी लगी महाराज श्री कृष्ण में कि मन श्री कृष्ण ने पकड़ लिया। अब तो महाराज सोचने लगे कि ये मिलेगा कहां, ये वृंदावन कहां है, कहां जाऊं, ये मिलेगा कैसे, कौन इसका पता बताएगा। एक जगह ऐसे ही सत्संग चल रहा था, कथा हो रही थी भगवान की, और पंडित जी महाराज कथा व्यास जी महाराज श्याम सुंदर की दसम स्कंद की लीलाओं में मगन हो रहे थे, और वे जब गोपियां श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि पर जब मोहित होकर के आ जाती है, तो कैसी बांसुरी बजाई रे नद लाला, श्याम सुंदर की वंशी श्रवण करके गोपियां मोहित होकर के आ गई है, और श्री कृष्ण के समीप में आकर के उनसे कह रही है कैसी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। एक तो फारसी में तजुर्मा पढ़कर के आ रहे, ऊपर से कथा में बंसी की बात सुन ली। अब तो कथा पूरी हुई और झट से महाराज व्यास गद्दी के पास पहुंच गए। बोले ये बताओ, जिस वंशी वाले की तुम बात कर रहे हो वो कहाँ है, कहाँ मिलेगा, वो कैसा लगता है? वहां महाराज व्यास पीठ पे ही पीछे श्रीनाथ जी बाबा की बड़ी सुंदर छवि लगी हुई। व्यास जी जो बैठे हुए थे कहा भैया तुमने वास्तव में आज तक देखा ही नहीं उसकी छवि को, बोले तभी तो आपके पास आए, जल्दी से बताओ। बोले अरे मेरे पीछे जो दर्शन दे रहे ये कौन है, ये वही तो है वंशी वाले। बोले ये वंशी वाले आज उनके जीवन में, आज सैयद इब्राहिम के जीवन में श्री जी बाबा ने प्रवेश कर दिया, बैठ गए। और महाराज एक बार छवि बैठ जाए तो महाराज छवि सांवरे मोहन की, एक बार चित्त में गढ़ जाए तो फिर महाराज निकलती नहीं है। सैयद एकदम देख करके मोहित हो गए। अब मन में सोचे कि वास्तव में जिसके पीछे इतनी गोपियां पागल हो रखी थी, वास्तव में सुंदर तो है ये, मलुक तो है। पूछा भैया ये बताओ मिलेगा कहां? व्यास जी बोले भैया तुम तो बहुत सारे प्रश्न करते हो भाई, चलो चले जाओ वृंदावन, चले जाओ वहीं मिलेंगे। अच्छा वृंदावन के लिए निकल पड़े साहब। वैसे उनका संबंध राजवंश से था और दिल्ली में निवास करते थे, वृंदावन की ओर चल पड़े। अब जब मोहित हो गए श्रीजी बाबा पे, तो महाराज रास रसिक नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दिल में महाराज लड्डू फूटने लगे। श्री कृष्ण के दिल में, मैं सैयद इब्राहिम की बात नहीं कर रहा हूं, श्री कृष्ण के दिल में लड्डू फूटने लगे। ओहो मेरा प्यारा आ रहा है। अब जब जब वे आंख बंद करें झट से महाराज अपनी छवि दिखा दें, आंख मस्त हो जाए, बैठ जाए, बोले ये वही है बंसी वाला। पर अब मैं करूं क्या, ये तो गोपियां इतनी इसके चारों ओर रहती है, मुझे कैसे पहचानेगा ये। अब मन ही मन सैयद इब्राहिम जी ने नाम रख लिया, बोले एक काम करता हूं मैं इसका नाम रख लूं, तो जब नाम बोलूंगा तो पहचान जाएगा मुझे। नाम क्या रखा? नाम रखा महबूब, मेरे प्यारे का नाम महबूब।
हाँ अब बढ़िया है, अब उसी मस्ती में महाराज वृंदावन पहुंचे हैं। और जब अब तो यहां जब वृंदावन की ओर जा रहे, वृंदावन में प्रवेश करते ही महाराज ब्रज की रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। जहां मुक्ति भी मुक्त हो सकती है ब्रज की रज से, वहां महाराज हृदय में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कलमश बचा साफ साफ। अब तो वृंदावन की भूमि में आते ही सुंदर रम्य सुरम्य वातावरण का दर्शन करते ही, यमुना जल पान करते ही, यहां सैयद इब्राहिम जी के मन में कवित्व फूट पड़ा। और सबसे पहली कविता उनके मुंह से निकली, वाह ये वही वृंदावन है जहां मेरा महबूब रहता है, अवश्य रहता है, तभी ऐसा ये वृंदावन है। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तजडार, आठहु सीधी नवो निधि को सुख नंद की गाय चराये विसारो। मस्ती में झूम के जहां जहां दर्शन करें, उस स्थान के दर्शन करके और श्रद्धा में आज भाव नहीं बदल गई उनकी, अब हर स्थान पे उनको अनुभूति होने लगी, मेरा महबूब यहां भी रहता होगा, मेरा महबूब यहां भी रहता होगा, मेरा महबूब यहां भी रहता होगा। रस खान सदा जब महबूब बन गए, बना लिया उनको, तो महाराज अपने आप ही हृदय में से रस खान शब्द निकला। क्यों भाई, एक बार रस की खान तो यही है, जिससे इसका जुड़ाव हो जाए वो व्यक्ति भी रस की खान हो जाए, तभी तो हम और आप संत सद्गुरु के चरणों में लौटते हैं। क्यों? क्योंकि जो रस स्वरूप परमात्मा है, उस रस स्वरूप परमात्मा के जो नित्य आनंद में मग्न रहते हैं, ऐसे संत भी महाराज रस की खान बन जाते हैं। रस खान जी कवित्व फूट पड़ा और महाराज लिखने लगे, रस खान सदा इनने नन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहार। सदा, अब तो ऐसा लगता है सदा इसी वृंदावन में, इसी ब्रज में यहां की लता पताओं का दर्शन करता रहूं। कोटि कहो कोटि कहो कल द्योत के धाम करील की कुंजन ऊपर वार। बड़े बड़े महल, अट्टालिकाएं, सोने के नगर वृंदावन की करील की कुंजों पर मैं न्योछावर कर दूं, ऐसा सुंदर रम्य सुरम्य स्थल है ये वृंदावन। अब खोजने लगे जहां तक, क्योंकि भैया दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली। अब वहां मंदिर मंदिर जाएं, बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए किंतु मन नहीं लगा। वहां पूछते, भैया वो हमारा महबूब है ना, वो यहीं रहता है क्या? अब जो वहां पे बैठे हैं लोग, अरे भाई कैसे आंख का अंधा आदमी आया, तो दिख नहीं रहा है सामने बांके बिहारी जी है? नहीं नहीं ये मेरा महबूब नहीं है, मेरा महबूब तो वो है जिसका एक हाथ ऊपर है, जिसके यहाँ पे क्रीट बंधा हुआ है, जिसके यहाँ एक, अरे भैया ये तू को और जाके देख। बेचारे मंदिर मंदिर भ्रमण करते रहे, जगह जगह ढूंढे महबूब को ढूंढे, किंतु महाराज दर्शन करें समझ में नहीं आवे। एक वैष्णव मिल गए, बोले भैया एक बात बताओ, दो दिन हो गए मुझे इस वृंदावन में ढूंढते ढूंढते, मेरा महबूब नहीं मिल रहा है, कृपा करके बताओ ना मेरा महबूब कहाँ है। वैष्णव संत, वैष्णव कौन? वैष्णव जन तो तेने कही है, जे पीर पराई जानी रे।
वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन किसको कहा जाता है? पीर पराई जानी रे, जान ली पीर पराई। आज सैयद इब्राहिम जी को महाराज वैष्णव पहचान गया, बोले कह रहे भैया तुम्हारा महबूब यहां नहीं गिरिराज जी में मिलेंगे। अच्छा वो कहां है? बोले यहां से 7 कोस। चल पड़े महाराज वृंदावन से गिरिराज जी की ओर झूमते हुए, मेरा महबूब मिल जाएगा इस आनंद में खुशी में। अरे संसार में हमारा आपका जो सांसारिक प्रेम होता है थोड़ा बहुत, जैसा हमारा पूज्या माँ कहती है कूड़ा कबाड़ा प्रेम जो होता है संसार का, उसमें ही हम इतने मोहित हो जाते हैं कि हमारा वाला कोई आने वाला होता तो कितने खुश हो जाते हैं। अरे आज वो आएंगे, क्या करें, घर को सजा लें, कुछ बना लें, कुछ प्रिपेयर कर लें उनके लिए, कुछ ऐसा कर लें, कुछ वैसा कर लें, कुछ सरप्राइज। आजकल सरप्राइज का जमाना है कि नहीं? अरे हाँ तो या ना तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, हाँ ना। पर गजब की बात है, जब हम में से आप में से कोई चला जाता है तब हम लोग आप लोग सरप्राइज रह जाते हैं। जाने वाला हमको आपको सरप्राइज करके जा करके वो सरप्राइज है। ये तो क्या सरप्राइज है रोज की, ये तो बनती बिगड़ती बात। बोलो राधे राधे राधे। यहां जैसे ही गिरिराज जी में पहुंचे तो वहां आनोर गांव में जहां श्री जी बाबा प्रकट होकर विराजमान थे, अभी तो खैर नाथ द्वारा में विराजमान है राजस्थान में, तो हमारे श्री जी बाबा वहां विराजमान है। और सही अब उन्होंने देखा कि बहुत लोग चढ़े जा रहे हैं, उनको लगा लगता है मेरा महबूब यही रहता होगा क्योंकि इतनी भीड़ तो मैंने यही देखी है। जैसे लोग जा रहे तो वो भी महाराज ऊपर चढ़ने लगे। और जैसा कि हवेली का हमारे कुश्ती मार्ग में थोड़ा नियम संयम की बात है, वहां द्वारपालों ने रोक लिया, पठान कहाँ जा रहा है? बोले अरे भैया मेरा महबूब यहाँ रहता है, एक बार मिल लेने दो। बोले कोई महबूब नहीं रहता, चल यार हमारे श्रीजी बाबा रहते हैं, तेरा महबूब कहाँ से आया? समझ नहीं पाए द्वारपाल भक्त की भावना को, ठुकरा दिया महाराज, नीचे सीढ़ियों से नीचे ले आए हाथ पकड़ के। अब तो यहां रसखान जी के मन में विश्वास हो गया, हो ना हो मेरा महबूब 100% यही रहता है। किंतु वारे महबूब वारे प्यारे, हम इतनी दूर से चल के आए, हम इतने भटकते हुए आए, तुम हो कि जब पहुंचे तो धक्का दिलवा दिया, अपने अपने यारों से हमें धक्का दिलवा दिया, दर्शन नहीं दिए, मुलाकात नहीं हुई। अरे सांवरे क्यों ऐसा किया हमारे साथ, अब मैं कहां जाऊंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आया हूं। और जब मुलाकात का वक्त आया तो पर्दा डाल लिया। यहां रसखान जी कहने लगे, यादों को हकीकत कर दो कान्हा, हे मेरे महबूब यादों को हकीकत कर दो कान्हा, आओ पास इतना कि कयामत कर दो कान्हा, आओ पास इतना कि कयामत कर दो कान्हा। बैठ गए गोविंद कुंड पे, आसन लगा के बैठ गए और अब संकल्प ले लिया, अब तो महबूब ना पानी पीऊं ना भोजन करूं, अब तो जब तक तू मुलाकात करने मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं कुछ करने वाला नहीं, अब यहीं बैठा हूं। देश विदेश के देखे नरेशन, फिर पंक्तियां फूट पड़ी भक्त हृदय की, 4 पंक्तियां, और अपने महबूब को समर्पित करने लगे। देश विदेश के देखे नरेशन, रीझ की को ना बूझ करेगा, ताते तिन्हे तज जान गिर्यो गुन, 100 गुन ओ गुन गाठ परेगो। हमने देखा संसार के जितने भी नरेश हैं, जितने भी लोग हैं,
वो मन में गांठ बांध कर रहते हैं। किंतु मेरे प्यारे महबूब, मैं तो तेरे लिए पढ़कर के आया हूं कि तू कैसा है। मेरा महबूब तो बांसुरी वारो बड़ो रिझवा, बांसुरी वारो बड़ो रिझवार, श्याम जो नेक सुधार धरे लाढ़ल छेल, ये लाढ़ल छेल वही तो अहीर को पीर हमारे ही की हरे वो, पीर हमारे ही की हरे वो। अब तो महाराज जब बैठ गए हैं यहां रसखान जी, दो दिन हो गए श्री जी बाबा के मन में अब चटपटी हो गई किस बात की, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने हट में प्राण छोड़ दे, और कहीं इसके प्राण छूट गए तो सारा दोष मेरे माथे मरा जाएगा। डर गए श्री जी बाबा। झट महाराज आज श्रृंगार वैसा नहीं था मंदिर में, किंतु क्योंकि रसखान जी ने जो पहली छवि देखी है उस व्यास गद्दी पे बैठे हुए श्री जी बाबा की, वैसा ही रूप बनाया यहां श्री जी बाबा ने। और गिरिराज जी की महाराज ऊपर यहां गोविंद कुंड पे बैठे, और वो गिरिराज जी के ऊपर वहां बछड़ों के साथ ग्वालों के साथ यहां वहां दौड़ रहे, वहां दौड़ रहे, वहां दौड़ रहे। अचानक इनकी आंख पे जैसे ही श्रीजी बाबा के दर्शन हुए, अरे मेरा महबूब तो खेलता भी है। जैसे महाराज दौड़े पकड़ने के लिए, दौड़ पड़े, जैसे गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गए, यहां श्रीजी बाबा छुप गए। जैसे छुप गए महाराज, तो अब और विरह की यहां वेदना जागृत हो गई, और भक्त हृदय श्री रसखान जी महाराज गाने लगे, नैनन की मोहे मार कटारी, नैनन की मोहे मार कटारी, हाय कहां गयो कुंज बिहारी, हाय कहां गयो कुंज बिहारी, प्रकुटी पर बाकी चंचल चपल त्रिकुटी पर बाकी, छेल छबीलो मेरो गिरीवर धारी, छेल छबीलो मेरा
मैया पे तरस नावे मो दुखिया पे तरस नावे मो दुखिया पे तरस नावे जादू सो डार गयो गिरधर में कहा योगक शेमम वहाम्यह। आज रसखान जी के साथ चरितार्थ हो गई पंक्ति। जैसे ही तीसरा दिन हुआ तो श्रीनाथ जी बाबा बेचैन हो गए। भक्त तो बेचैन है ही, यहां श्री जी बाबा बेचैन हो गए। और श्री गोसाई श्री विठलदास जी महाराज उस समय गोकुल में विराजमान थे। श्री जी बाबा जब दोपहर के समय श्री गोसाई जी महाराज विश्राम कर रहे थे, श्री जी बाबा स्वप्न में पहुंच गए और जाकर कहा कि बाबा जल्दी उठो। जैसे श्रीनाथ जी बाबा को आया देखा, विठलनाथ जी गोसाई जी खड़े हो गए, एकदम शैया छोड़ करके गोदी बिठाया, प्यार से हाथ पे लालन का भयो का चिंता है गई, आप आए, अरे मोकू बुलाते मैं आपके पास आ जाता। श्री जी बाबा बोले जल्दी चलो। बोले क्यों? एक मेरो प्यारो वहां गोविंद कुंड पे बैठो है, जल्दी से तुम जाओ और वाकु मंत्र दीक्षा दो और वाकु मेरे सन्मुख कराओ, मेरे दर्शन वाकु कराओ। तुरंत महाराज श्री विठलनाथ जी महाराज घोड़े पे बैठे और गोकुल से महाराज गिरिराज जी में जैसे ही प्रवेश किया, गोविंद कुंड के नजदीक पहुंचते जा रहे और श्री गोसाई जी महाराज के कान में आवाज आती जा रही है, मेरा दिल चुरा लिया है किसी ने, मैं क्या करूं, मेरा दिल चुरा लिया है मैं क्या करूं। ए वैष्णव आए पूछा, भैया यहाँ क्यों बैठे हो गोविंद कुंड पे? क्योंकि श्री जी बाबा दर्शन दे चुके, घूमते हुए दौड़ते हुए चलते हुए भागते हुए दिल लग गया श्री जी बाबा में। यहाँ रसखान जी कहते, भैया क्या करूं, मेरा एक धन था वो चोरी हो गया है। बोले कौन सा धन? अजी हमारा आपका चोरी नहीं हुआ है, और हम लोग आप लोग बताएं, सच कह दूं, हम लोग आप लोग अभी तक चाहते ही नहीं कि चोरी हो जाए, नहीं तो कब का चोरी हो चुका होता। हम लोग आप लोग उस व्यसनी की तरह है जिसको व्यसन हो जाता है और डॉक्टर कह दे, परिवार वाले कहे, भैया ये सब खाना पीना छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, अच्छा चलो दिन में 10 बार खाते 20 बार खाते, चलो हम अब दिन में 8 बार खाया करें, 10 बार नहीं खाएंगे 8 बार खाएंगे, लेकिन तो 8 बार खाएंगे जरूर, तो कितना कम हुआ? केवल 2 बार। हमारी आपकी भक्ति ऐसी है, हम अपने दिल को भगवान को चुरा लेने के लिए छोड़ते ही नहीं है। हम तो कहते हैं महाराज थोड़ा थोड़ा देखना, ज्यादा नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। यार रसखान जी महाराज कहते, भैया मेरा कुछ धन चला गया है। बोले कौन सा धन?
मेरा दिल चुरा लिया, किसी ने मैं क्या करूं। मेरा दिल चुरा लिया है, किसी ने मैं क्या करूं। ये अल्लाह इश्क आग है, ये अल्लाह इश्क आग है, ये जान बूझ कर अल्लाह इश्क आग है, ये जान बूझ कर दामन जला लिया है, जला लिया है, किसी ने मैं क्या करूं। ए मेरे महबूब यदि तुम कहो तुम मिल जाओ, ए मेरे महबूब कर लूं गुनाह पे हिसाब अगर तू सजा में मिले, कर लूं गुनाह बेहिसाब अगर तू सजा में मिले, बन जाऊं गुनहगार अगर तेरा साथ ता उम्र मिले। महबूब एक बार तो मिली जा। हंसता रहा था उम्र भर मैं आशियाने में, हंसता भर में आशियाने में, मुझको रुला दिया किसी ने मैं क्या करूं। मुझको रुला दिया है किसी ने मैं क्या करूं। अपना बना लिया किसी ने मैं क्या करूं। अपना बना लिया है किसी ने मैं क्या करूं। अरे मेरे महबूब, मेरे महबूब मदहोश हो जाता हूं मैं तुम्हें सोच कर ही इतना, मदहोश हो जाता हूं तुम्हें सोच कर ही इतना, तुम जब सामने आओगे तो क्या हाल होगा मेरा। मेरे महबूब आया था तेरे दर पे दीदार के लिए, आया था तेरे दर पे दीदार के लिए, आया था तेरे दर पे दीदार के लिए, पर्दा गिरा दिया है किसी ने मैं क्या करूं। पर्दा गिरा दिया है किसी ने मैं क्या करूं। मेरा दिल चुरा लिया है किसी ने मैं क्या करूं।
महाराज पास पहुंचे, घोड़े पे से उतर के खड़े हुए। देखो संत का प्रभाव कैसा होता है। जैसे ही गोसाई जी महाराज खड़े हुए, महाराज उतर के, यहां रसखान जी देखते ही उनको खड़े हो गए। गोसाई जी महाराज कुछ पूछने लगे, उसके पहले ही रसखान जी कहते मुझे लगता है आप मेरे महबूब के कोई मिलने वाले हैं। गोसाई जी महाराज पूछे, क्यों भाई, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा हमें देख करके? बोले आप जब से यहां खड़े हो, किंतु आपकी आंखें तो मेरे महबूब के घर की तरफ लगी हुई है, लगता है आप मेरे महबूब के कोई परिचय वाले हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, एक बार केवल दीदार करा दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक बार दीदार कर लो उसका कुछ नहीं लूंगा मैं। गोसाई जी महाराज प्रसन्न हो गए। गोसाई जी महाराज की आंखों में अश्रु छलक आए। प्रेमी हो तो ऐसा, प्रेमी हो ऐसा, छटपटाहट हो मिलने की, छटपटाहट हो मिलने की तो ऐसी होनी चाहिए महाराज। लाल ही देखन में चली और मैं वो है गई लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। बार बार बस एक बार दीदार करा दो। गोसाई जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले भैया तुम्हें दीदार कराने के लिए तो हम आए हैं, जाओ गोविंद कुंड में स्नान करके आओ। गोसाई जी महाराज को आया, अचानक आया देख भक्त लोग दौड़ पड़े, महाराज सेवक वृंद आ गए। गोसाई जी महाराज ने आदेश दिया, जाओ गोविंद कुंड में स्नान करा के लेकर के आओ, मैं इन्हें प्रभु के सम्मुख कराऊंगा, मतलब दीक्षा दूंगा। तो महाराज जैसे ही रसखान जी महाराज स्नान करके पहुंचे हैं, गोसाई जी महाराज ने इन्हें और भगवान के सन्मुख कराया है, दीक्षा प्रदान की है। और जैसे ही दीक्षा प्रदान की, महाराज हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है और कंठ गदगद हो रहा है, आंखों से अश्रु धारा प्रबल बहे जा रही है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। गोसाई जी महाराज ने कहा उत्थापन का समय है, इसको मंदिर में लेकर के आओ। और जैसे ही महाराज उनको मंदिर में लेकर के आए हैं, यहाँ आज श्री जी बाबा को जो प्रातः काल श्रृंगार धारण कराया था, श्री जी बाबा ने राजभोग के बाद श्रृंगार ही बदल डाला। बोले क्यों? बोले भैया मैं बांके बिहारी रूप में खड़ा था, किंतु इसने कहा कि ये मेरा महबूब नहीं है। मैं राधा वल्लभ लाल के रूप में खड़ा था, इसने कहा ये मेरा महबूब नहीं है। मैं राधा रमन लाल के रूप में खड़ा था, इसने कहा ये मेरा महबूब नहीं है। ये सबको वहां पर फेल करके आ गया है, और कहीं अब मैंने इसका वही श्रृंगार नहीं पहना जो इसने पहला देखा हुआ है, तो ये यहां भी मुझे फेल कर देगा। बोले ये मेरा महबूब नहीं है। तो महाराज गोसाई जी महाराज से कहा, देखो बाबा मुझे तो वही श्रृंगार पहनाओ जो मेरे भक्त के मन में मेरी छवि बसी हुई है। बोले वो कैसा श्रृंगार है, मुझे कैसे पता चलेगा? श्री जी बाबा बोले आपको नहीं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी मैं आपको बताता हूं, वो पहनाओ जो उसके दिल में छवि बसी है उसकी। आज वो श्रृंगार की बात श्री जी बाबा कह रहे गोसाई जी से, ये पहनाओ, ये पहनाओ, अब ये धारण कराओ, ये वाली माला पहनाओ, अब बनमाला पहनाओ। तो महाराज इस प्रकार जब श्री जी बाबा का श्रृंगार हो गया उत्थापन के समय में, और यहां रसखान जी मंदिर में गए हैं, जैसे ही आवाज लगाई, बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की, जैसे ही पर्दा खुला महाराज, यहां रसखान जी ने अपने महबूब को देखा और महबूब ने अपने प्यारे को देखा, दोनों की आंखें चार हो गई महाराज, और बंटा ढार हो गया, दोनों ही मस्ती में हो गए, दोनों के चेहरे पे मुस्कान, दोनों के हृदय आह्लादित, दोनों को ही मौज आ रही है।